शासकीय पशु चिकित्सालय गुन्नौर परिसर में पशु चिकित्सा अधिकारी ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाकर गुन्नौर क्षेत्र में हो रही पशु वैक्सीनेशन की जानकारी दी और उन्होंने यह भी बताया कि अगर पशु वैक्सीन में कोई कमी दिखती है तो आप लोग आकर लिखित शिकायत करें। उस गांव में अस्पताल द्वारा टीम भेजकर निःशुल्क पशु टीकाकरण कराया जाएगा। देखिए गुन्नौर से सुरेंद्र सिंह की यह रिपोर्ट। दर्शकों, में सुरेंद्र सिंह रिपोर्टिंग इंचार्ज गुन्नौर जनपद संभल से, कैमरामैन राजेश कुमार के साथ। आइए, यहाँ हम कुछ अकबरपुर के लोग आए हुए हैं और कुछ उनकी शिकायत है डॉक्टर साहब से, कुछ बात करते हैं उनसे। हाँ जी सूरजपाल जी, क्या शिकायत है आपकी, क्या कंडीशन है गांव की? गांव की टीकाकरण को लेकर के शिकायत है ना? हाँ जी, शिकायत की थी हमने टीकाकरण को लेकर के। टीकाकरण को लेकर के पहले हमने मतलब पशु चिकित्सा अधिकारी गुन्नौर को जी सर मतलब फोन से अवगत कराया कि ऐसे ऐसे पशुओं में रोग उत्पन्न हो रहे हैं जी, और टीकाकरण इस गांव में हो जाना चाहिए जी। बोले वैक्सीनेशन नहीं है, आ जाने पर मैं कर दूंगा जी। फिर उसके बाद हमने संपर्क किया, वैक्सीनेशन बताया नहीं आया जी, हमें नहीं मालूम आया या नहीं आया, उन्होंने बताया नहीं आया जी। फिर हमने जन सुनवाई पोर्टल पर एक ऑनलाइन शिकायत की जी, उसमें डॉक्टर साहब ने पशु चिकित्सा अधिकारी गुन्नौर ने मतलब लिखित में दे दिया कि गाँव में मतलब वैक्सीनेशन किया जा रहा है और ये निस्तारण किया जाता है, मगर गांव में धरती पर कोई काम नहीं उतरा है, किसी भी पशु के पर कोई काम नहीं, कोई काम नहीं उतरा बिल्कुल, पूरे गांव में एक भी वैक्सीनेशन किसी भी पशु के नहीं हुआ है जी। और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इसमें मैंने मतलब वैक्सीनेशन हो रहा है जी, मगर गाँव में नहीं हुआ है जी। जब मैंने फोन पर संपर्क साधा, नहीं डॉक्टर साहब आपने ये रिपोर्ट लगा दी, रिपोर्ट सेवा में पैसे जब कर देते टीकाकरण पशुओं को हो जाता जी, दो दिन बाद रिपोर्ट लग जाती या मेरे से संपर्क कर लेते। बोले गांव में मैंने प्राइवेट तौर पर दे रखा है जी, गांव में प्राइवेट तौर पर एक बंदे को दे रखा है जी, उसने कर दिया होगा, मैंने उसने नहीं किया है, मैं गांव में रहता था, आप कौन हो ये ऐसे करके मेरे फोन किया। आप बोले गांव के कोई ठेकेदार हो जी, सर हम गांव के ठेकेदार नहीं, गांव के सदस्य हैं जी, हम मतलब समाज सेवी हैं जी। तो अगर ठीक है तुम समाज सेवी हो ठीक है, कुछ नहीं वो कर देंगे टीकाकरण, ऐसे करके अंग भंग दो चार बातें और भी की गई और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ में कुछ मतलब सभ्यता में बात नहीं की, हमारे से असभ्यता में बात की जी। तो कोई भी टीकाकरण आपके धरातल पर नहीं हुआ है और प्राइवेट तौर पर ही गांव में झोला छाप डॉक्टर घूमते रहते हैं जी, और उनसे ही मतलब वो मेडिकल को फोन करते हैं, दवा लिख देते हैं तो मेडिकल पर आते हैं, 50 रुपए की दवाई को 100 रुपए में देते हैं, क्योंकि वो पहले ही फोन कर देते हैं कि मैं इस बंदे को भेज रहा हूँ जी। तो ये किसान मजदूर जी, सभी लोग पशुपालक परेशान है, किसी के पास पैसा है या नहीं है, मगर फिर भी बेचारा वो दवाई मेडिकल स्टोर से लाता है और सरकारी टीम कोई सुनवाई नहीं करती। अभी सरकारी महकमे के हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी और आपका निस्तारण के लिए बातचीत की जाती है जी। डॉक्टर साहब अपना परिचय देते हुए थोड़ा बताएं। मैं डॉक्टर सतीश कुमार अग्रवाल जी, यहाँ उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ जी सर, और अकबरपुर के टीकाकरण के संबंध में जी शिकायत आई थी जी सर, और गाँव में सरकार की योजना के अनुसार ही जी हर गांव, हर ग्राम सभा में एक वैक्सीनेटर और एक हेल्पर जी चयनित किए गए हैं जी, और टीकाकरण का कार्य वैक्सीनेटर के माध्यम से करवाया जाता है जी। टीकाकरण के लिए टीका वैक्सीनेटर को दे दिया गया है जी, और वैक्सीनेटर ने अवगत करवाया जी कि गांव में टीकाकरण मैंने शुरू कर दिया है जी सर, और टीकाकरण किया जा रहा है जी। अगर इनकी ये शिकायत है कि भाई धरातल पर कार्य नहीं हुआ है जी, जी सर सूरजपाल जी की यही शिकायत है कि धरातल पर कोई कार्य है।